नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ एंड क्यूरियस बॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आपको एक बहुत ही अच्छा स्विंग मूव दिखा सकते हैं और उस स्विंग मूव का फायदा उठा के आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी तक ज्यादातर जो भी मैं स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता था वो मोस्टली वो बुलिश साइड में रहते थे, यानी कि उनका जो पोटेंशियल था अप साइड वाले स्टॉक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता था। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी दूंगा जिनके अंदर हमको डाउन साइड मूवमेंट भी नजर आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं लगभग 6 से 7 स्टॉक्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा जिनके चार्ट में आपको दिखाऊंगा और उसमें के अंदर आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहला स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है HFCL। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में, अपने चैनल में जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसमें ऑलरेडी मैंने बताया था, लगभग 4 से 5 जून के आसपास इस स्टॉक को मैंने मेंशन किया था कि एक तरीके से इसने जो पहला हमारा छोटा फ्लैग बन रहा था उसको ब्रेकआउट दे दिया था, सेकेंड फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है और अभी करंटली स्टॉक उसी लेवल के आसपास है। आप देख सकते हैं लास्ट के 3 दिन में हमको वॉल्यूम एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है और कल के सेशन में ऑलरेडी ब्रेकआउट भी हो चुका है। आज जबकि मार्केट इतना गिरा हुआ था उसके बाद भी ये स्टॉक लगभग 1% के आसपास पॉजिटिव था। इस स्टॉक को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा अप ट्रेंड इसने दिखाया, कंसोलिडेशन हमको हो रहा है और अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम के साथ। साथ ही साथ एक नई न्यूज इस कंपनी से रिलेटेड आई है कि कंपनी जो है अपना पोर्टफोलियो बना रही है 5G प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेसिफिकली इंडियन और फॉरेन मार्केट के लिए। ये जो न्यूज है ये द हिंदूज की तरफ से आई थी। तो इस स्टॉक के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं करंट लेवल पे, यानी 52-53 के आसपास, और अगर नीचे गिरता है तो 49-50 के आसपास भी आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 45 का निकल के आएगा। नियर टर्म में जो टारगेट है 57-62-68 रुपीज के नियर टर्म के टारगेट नजर आ रहे हैं। अगर 68 के ऊपर की ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमको इसके अंदर लगभग 75 से 80 रुपीज के भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल का आइकन आपको नजर आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपनी वीडियो अपलोड करता हूं। जैसे कि कल के दिन में मैंने एक निफ्टी का एनालिसिस करके शेयर किया था क्योंकि कल मुझे ऐसा पोटेंशियल लग रहा था कि आज के दिन में निफ्टी गिर सकता है। जनरली मैं निफ्टी का एनालिसिस वीकेंड पे करता हूं, यानी कि सैटरडे या संडे को करता हूं, लेकिन कल जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए थे वहां से मुझे उम्मीद थी कि आज के दिन निफ्टी नीचे गिर सकता है, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था। और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज मैंने आज सुबह सुबह बताई थी कि निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो उसके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने जो ज्यादा फोकस किया था वो यही था कि हमारा जो निफ्टी है वो डाउनसाइड रह सकता है आज के दिन में और कल के दिन में। इसी हिसाब से मैंने लेवल्स भी बताए थे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो निफ्टी को ध्यान रखने चाहिए। निफ्टी आज आप देख सकते हैं 15,600 के आसपास से ही बाउंस लिया था। तो अगर आपको इसी तरीके की जानकारी चाहिए, इसी तरीके के लेवल्स आपको पता करने हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों, अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक एक काफी लंबे समय से एक ही जोन में एक तरीके से ट्रेड कर रहा है। इसको मैं अगर आपको वीकली चार्ट के हिसाब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लगभग 2014 से स्टॉक ने मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही ऐसा लेवल मेंटेन रखा था जिसके ऊपर वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। बस एक ही बार 2017 में इसने इस तरीके का ब्रेकआउट दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। करंटली स्टॉक उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। तो इस लेवल पे अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है तो हमको यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो ये ब्रेकआउट देने की ऑलमोस्ट कगार पे आ चुका है। वॉल्यूम एडिशन भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा हो रहा है। हमको डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टॉक अगर 165 के ऊपर की सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में हमको 172, 184 और 198 से 200 रुपीज तक के लेवल देखने के लिए आसानी से मिल सकते हैं। याद रखिए, कोई भी स्टॉक अगर किसी भी तरीके का ब्रेकआउट देता है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि वो उसी लेवल्स को रिटेस्ट करे। तो आप वेट कर सकते हैं, जब कभी स्टॉक रिटेस्ट कर रहा होगा उस समय भी आप स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों, अगला जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसके बारे में मैंने कई बार बात की है, जो कि है ONGC। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमको एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आया था।
इस स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया था कप एंड हैंडल को। इसी स्टॉक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऑलरेडी मेंशन कर चुका था। लगभग 3 जून के आसपास मैंने इस स्टॉक को बताया था कि अपने एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ से हमको एक अपसाइड रैली दिख सकती है। कप एंड हैंडल का पैटर्न इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और एक तरीके से अभी ये हमको फ्लैग का फॉर्मेशन बनाते हुए दिखा रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक इस फ्लैग को ब्रेकआउट देगा, हमको बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से जो हमको नेक्स्ट लेवल नजर आते हैं वो 129 के ऊपर की क्लोजिंग, जो कि ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, हमको 132, 136, 140, 145 तक के लेवल्स आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर फ्लैग पैटर्न के हिसाब से 123 का निकल के आ रहा है और जो लोग कप एंड हैंडल को पैटर्न समझ के ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए 114 का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। वो ट्रेडर्स स्पेसिफिकली वेट कर सकते हैं कि स्टॉक जब 120 या 118 के आसपास आए उस समय एंट्री लें। दोस्तों उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए यूजफुल होगा जो ट्रेडिंग करते हैं तो आप उनके साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। इस स्टॉक के बारे में भी मैं अपने चैनल पे कई बार बात कर चुका हूँ। मैंने बताया था कि इसने एक अपना बहुत ही रिसेंट जो हाई था उसको ब्रेकआउट दिया था, जो कि एक तरीके से लाइफ टाइम हाई की तरफ भी बढ़ रहा था। मैंने उस समय भी इसी चीज को मेंशन की थी कि इस स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं लगभग 239-238 के आसपास। स्टॉक करंटली उसी लेवल्स पे आ चुका है, इसलिए आज मैं इस स्टॉक को दोबारा से आप सभी के सामने लेके आया हूँ। स्टॉप लॉस इसके अंदर आप 129 रुपीज का लगा सकते हैं क्योंकि अभी स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ रहा है। एक तरीके से इसने अपने जो एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कर रहा है स्टॉक। यहां से आपको नेक्स्ट अप मूव दिख सकता है। अप मूव का कंफर्मेशन होने के बाद ही इसके अंदर एंट्री लीजिए, यानी कि 139-138 के आसपास आप स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और जब ये अप ट्रेंड दिखाना शुरू करेगा उस टाइम पे आप एड ऑन कर सकते हैं। 232 का है और 230 रुपीज का इसके अंदर स्टॉप लॉस निकल के आएगा। टारगेट अपसाइड पोटेंशियल जो इसके अंदर नजर आ रहे हैं हमको वो 248 के नजर आ रहे हैं, 255 के नजर आ रहे हैं एंड 263 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है जो कि इसका एक लाइफ टाइम हाई एक तरीके से ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमको इसके अंदर लगभग 300-350 रुपए के भी टारगेट नजर आ सकते हैं। बट एज अ स्विंग ट्रेडिंग आप इसके अंदर 255-260 तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि दो स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो आपको शॉर्ट साइड की स्विंग भी दे सकते हैं, उसमें से पहला एक हमारा स्टॉक है एक्सिस बैंक। इस बैंक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इवन दो हमको यहाँ पे एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है बट जैसा कि मार्केट में थोड़ी गिरावट आ रही है और उस गिरावट का जो एनालिसिस है मैं डिटेल में करके आपको सैटरडे या संडे को बताऊंगा कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है निफ्टी या फिर मार्केट का। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। इस जोन को आप ध्यान रखिए, इस जोन के ऊपर निकलेगा तो मेरा फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, इस जोन के नीचे अगर निकलेगा तो मुझे इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्विंग मूव आसानी से मिल सकता है। अगर मैं स्विंग मूव की बात करूं तो अगर ये स्टॉक 720 के नीचे की क्लोजिंग देने में सस्टेन कर देता है तो हमको इसमें 680 रुपए तक का एक इजी मूव मिल जाएगा। वहीं अगर ये स्टॉक 765 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हमको आराम से 780 और 800 रुपए के मूव मिल जाएगा, यानी कि दोनों ही साइड में मुझे लगभग 40 रुपए का अच्छा खासा मूव मिलेगा। स्टॉप लॉस दोनों ही केस में मेरा 740 का निकल के आता है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, इस स्टॉक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। ये स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके लिए अगर मैं आपको जोन बना के दिखाऊं तो ये जोन को आप टारगेट कीजिए, यानी कि इस जोन को अगर ब्रेकआउट देता है नीचे के साइड में तो आपको लगभग 740 के टारगेट आसानी से मिल सकते हैं। लेवल्स की बात करूं क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये स्टॉक 790 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो आपको 740 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। वहीं अगर अपसाइड की बात करूं तो अगर 825 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आपको लगभग 855 और 860 के टारगेट यहां पे भी नजर आ सकते हैं। ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो एक रेंज में घूम रहे हैं और आपको बस इंतजार करना है, आपको एक तरीके से अलर्ट लगा देना है। जैसे ही ये लेवल्स ब्रेकआउट होंगे क्लोजिंग बेसिस पे आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूजफुल होगी। आप
मेरी दी हुई जानकारी का अच्छे से फायदा उठा सकेंगे। एज अ डिस्क्लोजर आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर किया, मैं किसी को भी बायस चलकर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो एक बार आप अपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर से या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में अपनी पोजिशन बनाएं।